बिहार में आज नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है और इसी के साथ साथ एक बड़ी उम्मीद जताई गई है कि बिहार में आज एक बड़ा खेला भी हो सकता है। आपको बता दें कि पुलिस ने जेडीयू के एक विधायक को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीन ऐसे विधायक हैं जिनको तलाशने में बीजेपी जुटी हुई है। अभी तक के क्या बड़े अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा है कि स्पीकर को स्वतः पद छोड़ देना चाहिए, सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, यानी जेडीयू नेता कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जेडीयू इस फ्लोर टेस्ट को आसानी से पास कर लेगी। सभी नेता जेडीयू के साथ हैं और हालांकि जानकारी ये मिली है कि तीन ऐसे भी विधायक है जिनकी तलाश में बीजेपी फिलहाल जुटी हुई है और ये विधायक कहां है इनसे संपर्क करने की बीजेपी की कोशिश है। आपको ये भी बता दें कि बिहार के खगड़िया जिले के परबता से विधायक संजीव कुमार को नवादा में हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक इंजीनियर संजीव झारखंड के रास्ते सोमवार की सुबह बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें नवादा जिला प्रशासन के द्वारा बिहार झारखंड बॉर्डर पर रजौली में रोका गया और इसे लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। संजीव कुमार पटना में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि बहुमत हमारे पास है, चिंता की कोई बात नहीं, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि कभी फ्लोर टेस्ट का जो भी समीकरण है वो बेशक हमारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सारे समीकरण हमारे पक्ष में है। इसके साथ साथ अगर आगे की जानकारी की बात करूं तो जेडीयू विधायक सुदर्शन ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हम वोटिंग करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है, किसी बात की नाराजगी नहीं है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आरजेडी को और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बिहार में फ्लोर टेस्ट के लिए इतना समय क्यों दिया गया, बिहार में पलटी मार सरकार है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अपने तीन विधायकों रश्मि वर्मा, मिश्री लाल यादव, भागीरथी देवी से संपर्क की कोशिश कर रही है। मिश्री लाल यादव न गया के सम्मेलन में शामिल हुए और न ही भोज में गए थे, रश्मि वर्मा भी भोज में नहीं पहुंची थी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के घर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे हैं, अब तक 5 विधायक पहुंचे हैं, राज्य में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता हरी साहनी ने भी बीजेपी अपनी रणनीति के साथ काम कर रही है और बीजेपी आज जंग जीत कराएगी, इस तरीके का दावा किया है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार साख के बल पर राजनीति करते हैं, इंडिया गठबंधन हर दिन पाला बदल रहा है और इस बार नीतीश विरोधियों को निराशा मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो है बिहार की राजनीति की बात करें तो आज नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिस फ्लोर टेस्ट को लेकर सारी जद्दोजहद है। बीजेपी के कुछ विधायक अभी संपर्क में नहीं आ पाए हैं, तो वहीं जेडीयू के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेता काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए राजद की या फिर जिस भी तरीके से कांग्रेस के समीकरण बन रहे हैं, दोनों ही तरीके से जो है कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा है। लेकिन क्या कुछ बिहार की राजनीति में होगा, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी से मेरी गुजारिश वही है कि आप सभी को नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहना है।